देखिए ऐसी तैयारी होता है घर से जाने के लिए। फिर बच्चों लोगों बाय बाय लग रहा है, फिर यहाँ पनीरी मास में आके चोरी करने में बहुत चुप रहे। पर ये पकने के बाद कोमल हो जाता है, इसलिए हमेशा मम्मी पापा लोग इतना ही साग सब्जी बोते हैं। और ये बहने आके लूट के चले जाते हैं। लूट के, अरे कैसी बात कर रहे हो, चलो ये निकल गया दिखा कर। फिर से आपका स्वागत है प्रीति जी ठाकुर लोग। और सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। क्योंकि दोस्तों आज जा रहे हैं हम लोग मायके से सब लोग वापस, तो फिर अभी थोड़ा बहुत मायके आके तो सब्जी वब्जी लेते हैं, हरा वरा जो भी होता है। तो अभी तोड़ रहे हैं सब लोग बरंदे में करेला, सारा करेला तोड़ दिया पे। उठू और रिया करेला तोड़ ले, टब में डाल ले बड़े टब में। और पापा यहाँ पे से वो झील निकाल दिया यहाँ पे का पूरा। और देखिए थोड़ा सा माल्टे का पेड़ हमारा जो किचन है, आपको पता होगा। ये देखिए आधे यहाँ पे रखे। अभी ये तैयारी हो रहा है हमारे साग सब्जी का, दीदी भी लेगी और हम भी लेंगे। इतना करेला तोड़ दिया अभी, ये देखिए इतना मम्मी लोग के यहाँ बहुत चेहरे से भी बड़ा है। राई है, राई राई नहीं लग रहा चल इधर। देखिए माल्टे खट्टे थे और यहाँ लोगों ने कितना तोड़ दिया, ऊपर पे देख के आती हूँ। हम लोग आएंगे बाद में लेने। ये देखो जाओ तुम लोग तैयार हो जाओ। एक तो ये ने छोटे छोटे तोड़ दिया दीदी, खाली छोटे छोटे भी तोड़ दिए उन्होंने तो। ये देखिए ये मालते तो हम लोग आएंगे बाद में जूस बनाने के लिए, तब लेंगे। चलो तो उटू ने ले दिया दीदी के कट्टे का माल्टा नीचे। देखिए जान लग गए हैं, कितना बड़ा बैग बोके ले रही है ये। क्या क्या नहीं है, जीते रह जीते रह जीते रह। चल चल नीचे आ रहे हैं आमा का फूल। ये देखो सब लोग तैयार हो गए, आने लगे दीदी लोग। चलो चलो ये चलेगी दीदी और ये लोग आ रहे हैं आधे। घर जाने लग गया, कालिका जा रहा है आज झू। अभी तो घर जाने के लिए कितना तेज तेज चल रहा है। आप पकड़ दो तो उसका, इसको कैसे करके ले रहे हैं दो दो लोग पकड़ के। हेलो पंकज, अच्छे से जाना पंकज। ये प्रियांशु भी तैयार हो गया, हम लोग दूगो यार। ये देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं, बड़ी मम्मी चले गई और ये जीते रहे प्रियांशु। अच्छे से जाना। देखिए भास्कर लोग भी जा रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं, भाभी भगदा लोग। जीते रहे जीते रहे, बस अच्छे से जा अभी। ये उस दिन पकड़ के लाए ना तभी बोले आरू मौसा जी नहीं आ रहे। बाय आरू। ए रिया ए रियू दियो जाना अच्छे से। बाय बाय जाते हैं, चल फिर सब लोग चले गए, जाना भी अच्छे से। देखो भगीदा लोग भी तैयार हो गए, गीतू बब्बी रोशन रोशन यस लोग। ये घसारी कौन आ रही है, यहाँ पे घसारी भी आ गई। ये देखो सही तो है ना, कोमल कोमल दे रही है नी गाय को। हाँ वो घर जाके टीपेगी ना, ऐसी तैयारी होता है घर से जाने के लिए। कितना बोझ है देखो भी बैग। ओ फिर बच्चों लोगों बाय बाय जाओ ला बलगिन दिगो कुंत्रा पंत्री। तो फिर दोस्तों दीदी लोग तो चले गए और अभी हम भी आ रखे हैं। अब दीदी लोग को तैयार करके भेज दिया, उसके बाद मैं अभी चंसू तोड़ने के लिए आ रखी हूँ। ये मम्मी लोग का फेर है, माल्टे का पेड़ भी इन्हीं का है। यहाँ से पिछले बार कितना तोड़ा था ना, पिछले बार बड़े दाने हुए थे, इस बार छोटे। झोली खाने में मजा आता है, मस्त झोली बनता है ये। जरूर ये जो चंसू ले रही हूँ उसका जब झोली बनाऊंगी मैं जरूर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। पता नहीं है मुझे तो लगता नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं यार ब्लॉग बनाते बनाते भी में। झूठ बोल ली तभी खांसी आया इसको, ऐसे ही बोलते हैं। आपने गाली दिया होगा, मैं गाली क्यों दूंगा। ये है अम्मा जी का पेड़ और देखो काफी माल्टे लगे हुए हैं। और बगल में बुआ जी को, बुआ जी तुरा धनगौर लगा रहा है जरूर ना, करेल तोड़ना ला। साली जी को धनगौर लगा रखा है यहाँ पे मामा जी ने, वैसे तो ससुर जी लगते हैं। ओ कैसे पेड़ में चढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है फिर यहाँ पनीरी मास में आके चोरी करने में। चोरी कर रहे हो हाँ पल। ये देखो मामा जी यहाँ पे माल्टा तोड़ रहे घर के लिए,
तो हम लोग भी तोड़ने वाले थोड़ी देर में, बुआ जी भी लेके आ गए। अरे संभल के हाथ पकड़ो, वो जान। अरे क्या हो गया था अभी, बोला अब मार्टा तोड़ने की झड़ गया चाहिए थी मुन्ना, बड़े बड़े दाने तोड़ दिया कहीं की लेंटर से देख ली। मैं क्या आने में इतना फायदा होता है, बोला क्या क्या जो ले, क्या क्या जो ले। ये देखिए तोड़ दिया माल्टा। कहाँ जा रही है? राय कितनी अच्छी हो रही है, ताजा ताजा सब्जी गाँव में बैठिए बोइए खाइए बोइए खाइए। हम लोग तो नहीं बैठ पाते ना दुग में, तो ढंग से नहीं बो पाते हैं, वरना तो हमारा भी हो जाता। मूली तो बो रखा था ना। ये देखिए यहाँ पे दो ही टमाटर लग रखे हैं यार, ये पूरा वो हो गया था ना, सूख गया था पहले, बहुत बड़ा पेड़ था। और मस्त चटनी बनती इसकी, थोड़ा सा और तोड़ूंगी। अभी तोड़ रहे हम लोग करेला, और ये देखो कितने बैग यहाँ पे सामने, ये देखो रुक रुक चुभ रहा है, वो चुभ रहा है, पर ये पकने के बाद कोमल हो जाता है, इसलिए तोड़ रहे सब्जी। मम्मी लोगों के केले के घड़ी और इसमें पन्नी लगा रखा है, क्योंकि जब बर्फ रब आता है बचाते हैं, तो इसको थोड़े दिन में पकोने डालेंगे पकाने के लिए। चलो चलते हैं। A few moments later. करेला तोड़ लिया, मालते तोड़ लिए और राई तोड़ लिया, और आगे हम मिर्ची और मूली वाले खेत में है। अब इसके बाद अब ये भी तोड़ना है, उसके बाद खाना खाना है, तैयार होना है, उसके बाद निकलना है गांव की ओर। निकालने जा रही हूँ इस मूली को। उठू निकालोगे? रख ला मैं निकालता हूँ। अरे घर की सब्जी टेस्टी होती है, और मम्मी लोगों ने दीदी लोग को तैयार कर दिया था, दीदी लोग भी ले गए सब्जी वब्जी। अब उसके बाद मूली कितना बड़ा सा, हमेशा मम्मी पापा लोग इतना ही साग सब्जी बोते हैं, और ये बहने आके लूट के चले जाते हैं। लूट के? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, हम लोग भी तो मम्मी पापा लोग के साथ काम करते थे, अब शादी हो गया तो अब यार वैसे भी मायके का लेके खाने में कुछ और ही मजा होता है यार। कुदाल भी तो यहाँ टकरा रहा है फिर। हाँ बो रखा है मम्मी लोगों ने पूरे खेत में लहसुन और उट्टू, वहाँ पे अभी तक एक मूली भी नहीं निकाल पा रखे हैं, मैं पूरा मिर्ची भी है पहले से, और ये माल्टे के पेड़ भी बो रखे हैं पापा लोगों ने, क्योंकि यार घर में अब कोई रहते ही नहीं है, सबकी शादी होगी, और अभी भैया लोग भी देहरादून सॉरी रहते हैं, तो फिर यार वो लोग भी नहीं आ पाते क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं हमारे भतीज लोग, तो फिर यार घर से मम्मी लोग सब्जी वब्जी भेजते रहते हैं, और किसी को कभी हमारे लिए, कभी दीदी के लिए, काली काली दीदी के लिए, कभी बड़ी दीदी के लिए। क्या है भाई? पता नहीं दूसरा लाठी नहीं मिला मुझे तो। कुट्टा वो है यार थोड़ा। खाली मुंह ही नहीं है ना इसका। भाई मेरा फोड़ा अब हर रोज पनीर मार तू निकालने लगे मुझे। चलो चलो ये निकल गया, दिखाओ कितना बड़ा है। अच्छा बड़ा ही रहा यार। अरे बहुत है यार दोनों के लिए। चल बस दो तीन निकालते हैं और उसके बाद कौन सा ये वाला भी देख। ये वाला ये हाँ वो टेढ़ा बंगा वाला लो। और ये तो छोटा रहा। चलो कोई बात नहीं, वो हम लोगों ने निकाल लिया। कितने निकाले? तो तीन चार मूली निकाल दिए। ये भी होता है एक पहाड़ी मूली, इसको हम लोग पहाड़ी भाषा में है चौथ बलना मूली हुआ एक तरफा, बहुत ही अच्छा होता है। दारमा साइड बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहाँ बोने से उतना अच्छा नहीं होता है, पर मम्मी लोगों ने बो रखे हैं। ये तो लो। तो फिर दोस्तों थकान भी लग गया और मूली भी तोड़ के ला गए, थोड़ा हरा मिर्च भी लेके आए, तो चलते हैं अब बस तैयार होके अब जाएंगे। तो रुकी और थोड़े दोस्तों हम लोग तैयार हो गए हैं और जाने लगे हैं। वो देखिए अपना मुंह छिपा रहे हैं जग्गू भाई। भी लोगों से मिल गए हम लोग, सब लोग दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। सुन के घर की साइड जा। ये जग्गू रो रहा है, ये हंस रहा है। चलो फिर चलते हैं। ये पीछे छिप रहा है, मुझसे वीडियो बना रही है बोल के। बाय कहाँ छो? चल ठीक है जग्गू बाय, शादी में आना दीपो, मिलते हैं। मामा जी जाने लगे, हम लोग हमेशा साथ में जाते हैं। चलो चलो चल ठूजा ठीक चाँ ठूजा ढोक दिनों पहला ठूजा पल के पास यहाँ। तो फिर दोस्तों हम लोग आने लग गए हैं दुगू की ओर जा रहे हैं। अरे बुआ जी देखने ना बड़े पीछे से है बुआ जी और मामा जी,
वैसे तो बोलूं ससुर जी। ये इसको जो कहाँ से लेके आ गए? अभी पहुँच गया हम लोग में। तो पता है पहुँच गया, कहाँ था कहाँ लगे ऐसा आराम, कितनी कुत्ते लेके आ गई है। अरे वो कितना छोटा है मुझको। चलो उधर 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 अच्छा जाओ। इधर आ जा, छोटे है रे। ये इतना ही रहेगा क्या मेरा जैसा? मेरे जैसा नहीं पड़ेगा, मेरे जैसे ही रहेगा, नहीं पढ़ने वाला है। और हमारा रास्ता होने वाला है यहाँ पे से अलग अलग, वो जाएंगे अपने घर को बद्री की और हम जाएंगे दोगु में। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थकान लगी बहुत ज्यादा, और क्या बताएं धूप भी काफी ज्यादा है। झूला खेल लिए तो मुझे जमाई में जमाई आते रहते। तो फिर दोस्तों दोगु पहुँच गए हैं, अभी पहुँचे और बैग हैग रख लिया साइड पे। तो भी दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, पूरे मतलब लंबा ब्लॉग होता है बोल के रास्ते भर का नहीं बनाया हम लोग ने, हम सीधे घर पहुंच गए। तो भी दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में।